जैसे किसने पी दे उसको। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। प्रिय भाई बहनों, जब किसी की निष्ठा प्रभु पर और उनके भक्तों पर अटूट होती है तब फिर प्रभु भी स्वयं को नहीं रोक पाते हैं किसी कष्ट के समय में आने से, दर्शन देने से अपने भक्त को। कभी कभी प्रारब्धवश जीव को ऐसी योनियों में जाना पड़ता है जहाँ पर उसे अपने पूर्व जन्म के संचय किए हुए संस्कारों को भोगना पड़ता है। कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण दूसरी योनियों में भटकना पड़ता है। यह सत्य घटना वक्तमाल श्री वक्तमाल से ली हुई है, जो दो संत वेश का आदर करने वाले हंसों की कथा है। बड़ी ही सुंदर यह घटना है, इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भाई बहनों, पूर्व समय में एक राजा था, उसे हो गया था कुष्ठ का रोग। वैद्यों को जब दिखाया गया तो वैद्यों ने कहा कि यदि हंसों को मारकर औषधि बनाई जाए और उस औषधि को इनके घावों पर लगाया जाए तो इनका कुष्ठ अच्छा हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है उनके अनुसार। तो राजा ने आज्ञा दी, चार वधिक थे उनको हंसों को मारकर लाने की। तो वो जो वधिक थे वह मानसरोवर पर गए हंसों को मारकर लाने के लिए। परंतु हंस क्या था, हंस उन वधिक को देखते ही उड़ जाते थे। वधिकों ने देखा कि जब कोई संत उनकी ओर आता है, उनकी ओर जाता है, तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जानकर वे चारों जो वधिक थे वैष्णव वेश बना करके फिर मानसरोवर पर गए। अब हंसों ने इन्हें वैष्णव वेश में देखकर भी यह जान लिया कि ये वधिक ही हैं, क्योंकि कितना भी हम अपने रूप को छिपाएं परंतु जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे प्रकट हो ही जाता है। तो हंसों को यह तो समझ में आ गया कि ये वही वधिक हैं, परंतु संत वेश निष्ठा देख करके, संत वेश की प्रति जो निष्ठा थी उसकी वजह से, उसकी कारण वो हंस वहाँ से उड़े नहीं और उनके बंधक बन गए। जब उन बधकों ने उनको, हंसों को बांध लिया तो उनको लेकर के वो राजा के पास आ गए। अब हंसों की संत वेश निष्ठा देखकर भगवान का हृदय पिघल गया, भगवान भी परेशान हो गए। उनकी उनको तुरंत ही आना पड़ा उस राजा के यहाँ वैद्य का स्वरूप धारण करके। जब वह वैद्य रूप में उस राजा के नगर में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ यह घोषणा कराई कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों का सफल चिकित्सक हूँ और उन्हें निश्चित रूप से ही ठीक कर सकता हूँ। कुछ लोग थे वो उन्होंने राजा के पास भेज दिए, तो राजा ने उन्हें बुलवा लिया कि अच्छा ठीक है, आप उन्हें बुलाकर लाइएगा और मेरा यदि वह कुष्ठ ठीक कर देते हैं तो अच्छी बात है। तो भगवान को जो वैद्य के रूप में आए हुए थे उनको बुलाकर लाया गया। भगवान आए तो भगवान ने कहा कि मैं आपके कुष्ठ को अवश्य ही ठीक कर दूंगा, परंतु आपने जो इन पक्षियों को पकड़वाया है औषधि बनाने के लिए, आप इन्हें छुड़वा दीजिए। प्रभु तो अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता। उन्होंने कहा आप ये पक्षी जो पकड़ लाए हो हंसों को, इन्हें छुड़वा दीजिए, मैं आपका कुष्ठ अवश्य ठीक कर दूंगा। परंतु राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि नहीं, हम इन्हें तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे कुष्ठ को ठीक कर देंगे, बिल्कुल निरोग किए बिना हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, राजा ने कहा, क्योंकि ये हमें बड़ी कठिनता से प्राप्त हुए हैं। तो जो वैद्य जी थे प्रभु, उन्होंने दवा बना करके तुरंत उस राजा को दिलवा करके उसके घाव पर लगवाई। कुछ ही दिनों में वह रोग पूर्णतः ठीक हो गया। फिर उन वैद्य रूपधारी प्रभु ने कहा कि अब आप इन हंसों को छोड़ दीजिए। फिर राजा ने सहर्ष उन हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर जो वधिक थे जिन्होंने संत का वेश बनाया था उन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि जिस संत वैष्णव वेश
का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फलस्वरूप उनके प्राण भी बच गए। ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें। इस प्रकार वे वैदिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने उस वेश का त्याग नहीं किया, उनकी मति भगवान की भक्ति में ही मगन हो गई और प्रभु तो बाद में अंतर्धान हो गए। लेकिन इस घटना का सबको पता लग गया बाद में कि प्रभु ने स्वयं इस ऐसे दवा दी पक्षियों को बचाने के लिए, उस हंस को बचाने के लिए जिन्होंने संत वेश पर निष्ठा करके स्वयं को बंधक बनवाया और अपनी जान की भी कोई कीमत ना जानी। तो प्रभु तो जो निष्ठा होती है, निष्ठावान भक्त होते हैं उनके लिए स्वयं आतुर रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। प्रिय भाई बहनों, अगले किसी सत्य घटना में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ और हमें अपने जीवन में कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रभु के भक्तों का तो आदर ही करना चाहिए। अब एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।